क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में जिन प्लेयर की गिनती लेजेंड्स में की जाती है, अक्सर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर एक छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सभी का क्रिकेट करियर बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे महान क्रिकेटर्स भी हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खटखटाते सालों लग जाते हैं, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना इंतजार करने वाले छोड़ देते हैं। आज ऐसे ही एक क्रिकेटर की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने जिस उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, उस उम्र में विराट कोहली 35 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगा चुके थे, पर उन्होंने पेशेंस दिखाया और हार कभी नहीं मानी और आज वो वर्ल्ड के नंबर वन T20I बैटर हैं। पर क्या आपको पता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरह सूर्य कुमार यादव की क्रिकेटिंग जर्नी भी गली में क्रिकेट खेलते हुए हुई। हालांकि उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग 10 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, पर उनकी जो रियल ट्रेनिंग थी वो दिलीप वेंगसरकर एकेडमी में हुई, जहां उन्होंने क्रिकेट के दाव पेच सीखे और अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। एज ग्रुप क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, मेहनत करते हुए 2010 में वो मुंबई के लिए अपना रणजी मैच, पहला रणजी मैच खेलते हैं और पहले ही मैच में 73 रन्स की पारी खेल देते हैं सिर्फ और सिर्फ 89 गेंदों में। उस मैच में रोहित शर्मा 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव 6वें। 3 ही सालों में सूर्य कुमार यादव मुंबई के रन मशीन बन जाते हैं और 2012 में मुंबई इंडियंस उन्हें IPL में खरीद भी लेती है। पर 2 साल तक सूर्य कुमार यादव IPL में सिर्फ और सिर्फ 1 ही मैच खेल पाते हैं क्योंकि उन्हें उस प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाती। सूर्य कुमार यादव डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहे थे, पर बड़े स्टेज पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। 2013 में उनकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया ने U23 एशिया कप भी जीता था और उस टीम में KL राहुल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स भी थे। 2 और 3 साल के अंदर अंदर उन सबका इंडिया के लिए डेब्यू हो जाता है, पर सूर्य कुमार यादव का कहीं नाम नहीं था। 2016 में सूर्य कुमार यादव की वाइफ उनके साथ बैठती है और सवाल पूछती है कि वो IPL खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उनका करियर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उन दोनों ने पिछले 3 से 4 साल का परीक्षण किया और ये देखा कि कहां कहां वो लैक कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, एक बैटिंग कोच से भी कंसल्ट किया और जहां जहां वो लैक कर रहे थे उन सभी डिपार्टमेंट्स में काम करा और उनकी परफॉर्मेंस पे वो शो भी होने लगा। साल 2017 के रणजी सीजन में सूर्य कुमार यादव ने रनों की झड़ी लगा दी और 2018 के IPL सीजन में पहली बार 500 से ज्यादा रन्स बनाए, जहां 4 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। साल 2019 तक सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के परमानेंट नंबर 3 बैटर बन चुके थे। 2019 में 424 रन जड़े और 2020 के IPL सीजन में 480, 140 की स्ट्राइक रेट से। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद हर कोई यही चिल्ला रहा था कि सूर्य कुमार यादव का इंडियन टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, पर हद तो तब हो गई जब 2020 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सूर्य कुमार यादव का फिर से इंडिया के स्क्वाड में नाम नहीं था। स्क्वाड सिलेक्शन के अगले ही दिन मुंबई इंडियंस का RCB के अगेंस्ट मैच था और सूर्य कुमार यादव के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी सिलेक्टर्स को एक करारा जवाब देने की। उस मैच में उन्होंने 79 रन्स की मैच विनिंग पारी खेली और जिस तरीके का जेस्चर किया उसे आज भी पूरा इंडिया सलाम करता है। साल 2021 में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में फाइनली सूर्य कुमार यादव ने अपना डेब्यू किया। पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में उन्हें बिठा भी दिया गया, पर 4th T20I में जब वो आए तो पहली ही गेंद पे जोफ्रा आर्चर को छक्का लगा दिया और बता दिया कि मैं इस स्टेज के लिए बना हूँ। उन्होंने अपने पहले ही मैच में अर्धशतक जड़ दिया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। सूर्य कुमार यादव को डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर करते करते 10 साल का इंतजार करना पड़ा और आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 T20I बैटर। दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सचदेवा। आज मैंने आपको सूर्य कुमार यादव की कहानी सुनाई। ऐसी मैं और कहानियां लेके आता रहूंगा, पर उसके लिए आपको YouTube, हमारा YouTube चैनल क्रिकेट ज्ञान का, उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, थैंक यू सो मच। बाय बाय।